Hello. Coming back with few new words, right? There are almost like 16 words over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This will be 7. I beg your pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It will be 7. It will be 7. It will be 8. It will be 9. It will be 10. It will be 11. It will be 12. That's fine. Then 13, 14, 15, 16. That's fine, right? I'll make it 20. 20 bana denge, 4 aur bana denge. Right? Let us hope what we are going to do. Imagine. I-M-A-G-I-N. Imagine. Sochna. Imagine that you are a rich man. Ye socho ek minute ke liye ki tum ek ameer aadmi ho. Imagine. तो इमेजिन क्या होता है, ये वर्ब होता है, वी वन होता है, वी वन. इसका वी टू होगा इमेजिन, इमेजिन इमेजिनिंग इमेजिन्स, वी फाइव. और इसका नाउन हो जाएगा क्या, क्या होगा, इमेजिनेशन. ही हैज़ गॉट अ विविड इमेजिनेशन टू डू दिस और दैट वट एवर. इमेजिनेबल, इमेजिन किया जा सकता है, राइट. Seclude, S-E-C-L-U-D-E, seclude. I am secluded myself from the rush. हम दूसरे से अपने आप को अलग रखा हूँ. Maybe I am studying, maybe I have got something important to do. मुझे कुछ करना है काम, मुझे अलग से पढ़ना है, competition की तैयारी करना है. तो अगर हम भीड़ भाड़ में रहेंगे, दोस्तों के बीच में रहेंगे, I can't do my work. मैं सीख नहीं पाऊँगा, competition में appear नहीं हो पाऊँगा. तो आई हैव केप्ट माई सेल्फ सेक्लूडेड, मैं दूसरे से अपने को हटा लिया हूँ. रेक्लाइन, आराम करना, राइट. आर ई सी एल आई एन ई, रेक्लाइन, यानी कि तुम आराम फरमा. ही इज रेक्लाइनिंग, सोया हुआ है, आराम कर रहा है, रेक्लाइन कर रहा है. वेंजियंस, वेंजियंस होता है एक बदले का, यह इज एक्ट ऑफ वेंजियंस. बदले से कुछ करना, किसी को आहत करना, किसी को दुखी करना, किसी पर प्रताड़ित करना, तो वो होता है, राइट. वैंडलाइज, तोड़ फोड़ करना. तो ऑल दीज एंटी सोशल एलिमेंट्स आर वैंडलाइजिंग ऑल दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द गवर्नमेंट. जो हमारे जो गवर्नमेंट है उनके जो सामान वामान है, मकान हुआ, खिड़की हुआ, पर्दा हुआ, कोई वैंडलाइज किया है, तोड़ फोड़ किया है, कोई मार धाड़ किया है, कुछ किया है, वैंडलाइज करना. ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ओ पी टी आई एम आई एस टी आई सी, ऑप्टिमिस्टिक, यानी श्योर अबाउट. I am optimistic that I will qualify. मैं श्योर हूँ कि मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा. Optimistic. Optimism होता है noun. Optimistic is adjective, right? बार बार घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि जादुई का, जादू का रिजल्ट तुमको देगा. तुम जो ये काम करोगे इस पर तुम्हें हर चीज़ में, किधर भी काम करो, इसको एक बार पढ़ लो तो सारा आसान हो जाएगा, सब सब खुल जाएगा अपने आप. लाइक ओ, इतना ईजी, इतना आराम, राइट. फिर आते हैं रिट्रैक्ट, यानी कि तुमने एक वादा किया, एक प्रॉमिस किया, तुमने रिट्रैक्ट किया, वादा नहीं निभाया, तुमने अपने बातों से पलटी मार दी है. रिट्रैक्ट, आर ई टी आर ए सी टी, रिट्रैक्ट, राइट. असैसिन, जो मर्डर होता है, खूनी होता है, ए डबल एस ए एस आई एन, असैसिन. ही इज एन असैसिन, यानी ही इज एन मर्डरर, उसने किसी का कत्ल किया, राइट. पॉजिटिविटी, यानी कि मन के अंदर पॉजिटिविटी रहता है, वो लड़का कभी हार नहीं मानता है. पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव यू नो, अंदर से जो प्रेरणा में पॉजिटिव प्रेरणा मिलता है, नहीं सर नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर कर लेंगे ना, हमको तो क्वालिफाई करना ही है, कितना भी मेहनत पड़े फिर कर लेंगे. हो ही नहीं सकता कि हमने, हमको करना ही है, हर सूरत में करना है. एक बार फेल करेंगे, 10 बार फेल करना तो है. तो ही इज सो पॉजिटिव, राइट. अब फीजिबल यहाँ बगल ही बगल है, अच्छा इस पे इधर आ जाएंगे. पॉजिटिविटी, अर्बन एंड रूरल. अर्बन मतलब शहर से जुड़ा हुआ, रूरल है गांव से जुड़ा हुआ. द अर्बन रोड्स आर डेवलप्ड नाइस एंड एवरीथिंग, रूरल रोड्स तो कच्ची मिट्टी का बने रहते हैं, बनेंगे कब बनेंगे किसी को पता नहीं. अर्बन एंड रूरल, आई लिव इन एन अर्बन एरिया, ही लिव्स इन अ रूरल एरिया, शहर के बीच, शहर से बाहर, ठीक है.
मैलिस, मैलिस मतलब मन के अंदर कंटेंट, यू आर हैविंग मैलिस फॉर अदर्स, मन के अंदर है किसी को सताएं, किसी को झुठलाएं, किसी को ये करें, खराबी करें, किसी को दुख पहुंचाएं, राइट? हॉरिबल, जो हॉरर, हॉरर मूवी आप लोग देखते हैं, जैसे डरावना मूवी, हॉरिबल उसी से है, हॉरर हो जाता है क्या है? हॉरर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड हॉरिबल इज एडजेक्टिव, इट्स अ हॉरिबल मूवी, ये मूवी ऐसा हॉरिबल है कि बेकार है, अच्छा नहीं है, वो डरावना भी हो सकता है, डरावना नहीं भी हो सकता है, लेकिन व्हाट अ हॉरिबल ड्रेस यू हैव कम अप विथ, कितना गंदा, कितना अजीब टाइप का बेतुकी है, ऐसा कैसा कपड़ा पहन के आए हो, तो हॉरिबल आप कहीं भी लगा सकते हैं, इट गोज इवन इफ इट इज़ नॉट विद इन द मीनिंग, फिर भी लग जाता है, लगा सकते हैं। एबडक्ट, गायब कर देना, अबडक्शन नाउन होता है, अबडक्शन, एबडक्ट मतलब वी वन होता है, इसको देना पड़ेगा, राइट? वी वन, एबडक्ट, एबडक्ट, abducted, abducted, abducting and abducts. तो हम इसको लेके चलते हैं, वी वन लेके चलते हैं, abduct, right? Demonstrate, ये भी वी वन है, demonstrate, दिखाओ, you demonstrate your power, demonstrate your intelligence, अपने power, अपना ताकत, अपनी शक्ति, अपना बुद्धि दिखाओ सबके सामने, demonstrate. Feasible, जो होने वाला है, F E A S A B L E, feasible. कोई लड़का कुछ कह रहा है, हाँ क्या कर लोगे? जी सर मैं तो कर लूँगा. ठीक है, सीम्स फिजिबल, शायद तुम कर लोगे, जो होने का संभावना है, दैट इज़ फिजिबल, राइट? फिजिबल, फिजिबल. फैसिनेशन, फैसिनेशन का क्या मतलब है? तुमको फैसिनेशन है टेनिस खेलने का, तुमको फैसिनेशन है कुछ झाल पूड़ी, झाल मुड़ी खाने का, तुम्हारा फैसिनेशन है KFC खाने का, फैसिनेशन है डांस करने का, फैसिनेशन है किताब लिखने का, तो जो चीज़ तुमको दिल के अंदर से अच्छा लगे, दैट इज़ कॉल्ड फैसिनेशन. फैसिनेट होता है वर्ब, और फैसिनेशन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, अब 16 जब वर्ड हो गया, तो 6 इधर हो गया, 12, 13, 14, 15, 16, 16 वर्ड हो गया, इसको हम 20 बना देते हैं. ठीक है, प्रिटेंशन, PRE है वाला, डिग्निटी, बिलीफ, अब देखो इन जो 4 वर्ड हमने लिखा, प्रिटेंशन, प्रिटेंड करना मतलब ये तबीयत ख़राब नहीं, हम कह रहे हैं हम बहुत तबीयत ख़राब है, यानी कोई काम हम नहीं कर पाएंगे, बेकार हमको काम दे, हमसे नहीं होगा, तो उसमें नाउन फॉर्म में होगा प्रिटेंशन, प्रिटेंड होगा वी वन, अब प्रिटेंशन होगा नाउन, ही इज़ जस्ट शोइंग हिज प्रिटेंशन, वो अपने को दिखा रहा है मैं ये काम से अक्षम हूँ, नहीं कर पाऊँगा, क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं, बुखार है, काम ठीक नहीं कर रहे हैं, ही इज़ प्रिटेंडिंग और ही इज़ मैंने ही इज़ हैविंग मैंने ही शोइंग हिज प्रिटेंशन, किसी भी हालत में वो प्रिटेंड कर रहा है कि या प्रिटेंशन कर रहा है कि हम ये काम को नहीं कर पाएंगे. डिग्निटी, इज्जत, ओन सम्मान, डिग्निटी, यू शुड मेंटेन योर डिग्निटी, अपना सम्मान आपको रखना है, कोई गलत काम ना करें कि जिसके आपका डिग्निटी ख़राब हो. बिलीफ, विश्वास, बिलीव और बिलीफ में फ़र्क है, बिलीफ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ बिलीव इज़ अ वी वन वर्ब, तो वो तमाम चीज़ आपको इस ये बार 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 यहीं पर आपकी गाड़ी अटकी हुई है, आप इंग्लिश नहीं समझ पाते कि इसको इसकी समझ आपको है नहीं, ये तीनों ताल मिल के इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये कैसे फंसा हुआ है, वो मैकेनिज्म है, उसको समझ लीजिए, सारी इंग्लिश की गीठ जो पड़ी हुई है सारी गीठ खुल जाएगी, तब लगेगा ओह माय गॉड इतना आसान, इंग्लिश यही इंग्लिश है, देन यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी वेरी हैप्पी, राइट? और फिर है क्या है, एनर्जेटिक, बिलीव एनर्जेटिक, यानी कि जिसके पास फुल ऑफ एनर्जी है,
एनर्जी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ही इज एन एनर्जेटिक पर्सन, वो पूरा एकदम मैंने एनर्जी से भरपूर है, एनर्जेटिक है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा, एनर्जी होगा नाउन, राइट, एनर्जाइज होगा वर्ब, एनर्जेटिक होगा एडजेक्टिव, पूरा पढ़त आप इंग्लिश को सीख लीजिए और बहुत मज़ा कीजिए, और उसके बाद इतना मेहनत, इतना दौड़ धूप, इतना खर्च करना क्यों कीजिएगा, उतना ही पैसे में आपके ज़िंदगी भर का खुराक बन जाएगा। उस टाइम को काम पे लगाइए, खुशी मनाइए, घर में बैठे रहिए, टीवी देखिए, गाना सुनिए, मम्मी डैडी से बातें कीजिए, इतना उलझ के मत रहिए। 20 साल 22 साल से लड़का उलझा हुआ है, कभी किसी को प्रश्न करते हैं तो थर थर कांपने लगता है, क्या है क्या इसके अंदर, व्हाट इज इट, यू नो एवरीथिंग, पॉजिटिविटी है सर, वी मस्ट कीप पॉजिटिविटी इन आवर माइंड, सिर्फ डायरेक्ट बोलो रिट्रैक्ट, डोंट रिट्रैक्ट, यू सेड दिस एंड नॉट टू डाउट इन सेइंग दैट, आज कल एक बात बोले आज एक बात बोल रहे हो, एबडक्ट समबडी, एबडक्टेड यू नो द चिल्ड्रेन और वॉट एवर, बहुत बच्चे मैंने ये जो लड़के जो उठा के लेके चले जाते हैं, कहीं गायब कर देते हैं, एबडक्शन होता है, तो एबडक्शन नाउन है, एबडक्ट V1 है, राइट, एबडक्ट करना मतलब लड़का गायब कर देना, एबडक्ट करना, फिजिबल जो पॉसिबल है, दैट इज़ फिजिबल, आई थिंक वॉट यू आर सेइंग इज़ राइट, लगता है कि तुम्हारे बाद में दम है, लगता है हो सकता है, तो हम उसको कहेंगे इज़ फिजिबल, राइट, बिलीफ को भी कुछ भी दे, डिग्निटी, इज्जत, बिलीफ, विश्वास, विश्वास करना नहीं, विश्वास करना बिलीव हो जाएगा, बिलीव, ये बिलीफ, फॉर बिलीफ, राइट, तो ये सबको समझे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये एनर्जेटिक, ये एडजेक्टिव है, ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये होगा एडजेक्टिव, ठीक है, और डिग्निटी ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये प्रिटेंशन ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तभी तो कह रहे हैं ना, ये इसको आप बच के नहीं जा सकते, तो क्यों हम पीछे 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 ऐसे ऐसे घूमते रहे, पता न चले क्या सच्चाई है, क्या कौन रास्ता सही है, इसको सीखे सारा कुछ क्लियर, यू विल एब्सोल्युटली, यू विल बी लाफिंग, इंग्लिश में बोलते हैं यू विल बी लाफिंग, मतलब तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, लाफिंग मतलब हंसते रहना नहीं, उसके एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है, यू विल बी लाफिंग मतलब तुम बहुत खुश हो जाओगे, कि वाह क्या जादू वाला इंग्लिश हम सीखे, अब हमें सब कुछ आसान लग रहा है, दूर तक हम साफ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और फिर आप कुछ भी और देख लें, कुछ भी और देख लें, मैलिस हुआ, हॉर्बल हो गया, अर्बन हो गया, रूरल हो गया, शहर से जुड़ा हुआ, गांव से जुड़ा हुआ, राइट, एसासिन क्रिमिनल जो मर्डर करने वाला, जो मर्डर खूनी, राइट, रिट्रैक्ट, बात से वादा मुकर जाना, फिर इसका इमेजिन सोचना, राइट, रेक्ल्यूड सेक्ल्यूड मैंने अलग कर लेना अपने आप को, डिक्लाइन आराम करना, वेंजेंस बदले का भावना रखना मन के अंदर, वेंडलाइज तोड़ फोड़ करना, और ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव वे में सोचना, बोलते हैं कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, यानी बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि बी पॉजिटिव, इसको यह है ना पॉजिटिव कहीं पर लिखे हैं, पॉजिटिविटी इसका मतलब बी पॉजिटिव और बी ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक इसका मतलब एक ही होता है, सिनोनिमस है, सिनोनिमस मतलब सिनोनिम, सिनोनिमस सिनोनिम है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिनोनिमस हो गया एडजेक्टिव, तो घुमा फिरा के आप देखिएगा इंग्लिश की सारी जो जड़ है उसी के अंदर छुपा हुआ है, इसको आप सीख लें मज़ा आ जाएगा, और फिर नंबर मेरा दिया हुआ है, आप आइए मेरे नंबर पे आइए, व्हाट्सएप पे आइए, फ़ोन कीजिए, ईमेल है, मेरा ईमेल दिया हुआ है, उसमें देखें आप लिखिए, जो आपको लिखने का मन है बताइए, कुछ आपसे भी मैं सीखूँ, ऐसा तो नहीं कि सर ही सब कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ आप लोग में है जो मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं आप लोग से भी सीखना चाहता हूँ, राइट, ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड आई एम श्योर दैट वन डे यू विल लर्न फ्रॉम दिस एंड यू विल बी वेरी हैप्पी, दैट इज़ माई इंटेंशन, इंटेंशन, इंटेंट मतलब सोच, इंटेंशन मतलब उसके नाउन फॉर्म, एक हुआ वर्ब फॉर्म, एक हुआ नाउन फॉर्म, सारा खेल इसी में छुपा हुआ है इंग्लिश की, इसको समझ ले बल्ले बल्ले, हंसते रहिएगा, मज़ा करते रहिएगा, बड़ी शांति पाइएगा आपको, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय।